ये जो चीज था इसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि कब खुलेगा डिकेटर। जो मेरा चश्मा था वो टूट गया था, मतलब साइड में जो ईयर के पास लगाते हैं वो, तो अभी मैंने इसको खरीदा है। ये 400 रुपीज है, आप लोगों को और दिखाता हूँ। तो ये भी 400 रुपीज का है, ये भी 400 रुपीज का है। तो ये ब्लैक, ये ब्लैक वाला है 400, ये सब कुछ 400 रुपीज का है। और एक और इससे भी अच्छे अच्छे वाले यहाँ पे है, तो ये 1500 रुपीज का है। तो मैं अभी ये खरीद रहा हूँ। अभी मौसम ऐसा है कि तूफान उठने वाला है। ऑलरेडी मेरे पीछे देख सकते हैं बवंडर भी है। इसका साइकिल का नाम है टोर्नेडो। और ये है संदीप भाई का नया साइकिल। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं वो संदीप भाई है। वो बोले कि मुझे आज मत लेना, मुझे इस साइकिल के बारे में उतना पता नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं, मगर साइकिल देखने में एकदम मस्त है। आज मेरे साथ कोई भी नहीं आ रहा है, मगर मैं फिर भी एटलीस्ट 50 किलोमीटर करने का प्लान है। 4 किलोमीटर किया हूँ, अभी लग रहा है सांस फूलने लगा है, फिर भी मैं, मुझे पता है कि मैं कर लूंगा। पंचर किट मेरे साथ नहीं है, अगर हो गया पंचर तो भगवान भरोसे रहूंगा मैं। फाइनली ये है संदीप भाई, ले ही लिया उनको ब्लॉग में। राइड तो मैंने स्टार्ट कर दिया है संदीप भाई को टाटा बाय बाय बोल के, मगर एक दिक्कत हो रहा है, हवा बहुत ही ज्यादा बह रहा है, ऊपर से बारिश होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा है। हमारा छोटा सा एक साइकिलिंग कम्युनिटी है जिसमें संदीप भाई अभी 3rd पोजीशन पे है, और मैं चाहता हूँ कि उनको हरा दूँ। उनको हराने के लिए मुझे एटलीस्ट 100 किलोमीटर के ऊपर करना पड़ेगा राइड। ये है हमारा प्यारा प्यारा साइकिल, और ये रहा सीधा रोड। हवा ज्यादा बह रहा है, साउंड आप लोगों को क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा, मगर एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हराना है। और साइकिल मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़े से जगह पे ऐसा कुछ है रोड खराब वाला पैचेस, बाकी रोड बहुत ही अच्छा है। चलो चलो चलो, करना है, हराना है, कैसे भी करके हराना ही है। ये रोड देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्पीड में चलाया जाए और थोड़ा सा एवरेज स्पीड को इंक्रीज करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो मैं मोबाइल को रख देता हूँ अंदर और यहाँ पे खींचेंगे बहुत, जितना हो सके उतना पावर लगा के यहाँ पे स्पीड में जाना है। थक गया हूँ मैं, 20 किलोमीटर हो गया है और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सच में बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों आज ये अकेले ही निकला है, अमर किधर है, संदीप भाई कहाँ है, और कोई भी नहीं है। सिंगल राइड पे इसलिए निकला हूँ क्योंकि जो मेरा टाइमिंग है वो अलग है, सबसे अलग है, इसलिए ना मैं उनके टाइम पे मैच कर पाता हूँ ना वो मेरे टाइम पे। तो मैं सोचा कि पहले मैं रेगुलर बनूंगा, जो भी टाइमिंग मुझे सूट करता है उसमें मैं पहले साइकिलिंग करूंगा, और जब मैं रेगुलर हो जाऊंगा तब शायद देखूंगा कि मैं उनके टाइम में मैच कर पाता हूँ कि नहीं, और उसके बाद ग्रुप राइड स्टार्ट करेंगे। वेदर अभी ऐसा हुआ है, बारिश कभी भी हो सकता है, और रोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये रोड एकदम खाली खाली रोड है, गांव के साइड से मैं निकल रहा हूँ तो कोई दिक्कत का कोई बात नहीं है। बस साइकिल में लग रहा है कि ऑयलिंग थोड़ा सा कम हो गया है, लुब्रिकेशन, तो उसके वजह से कट 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 साउंड आ रहा है, बाकी सब बढ़िया है। अब यहाँ से निकलते हैं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस देखते हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर जब हो जाएगा तो शायद प्लान बदल जाएगा और लगेगा कि चलो भाई घर वापस चल जाते हैं।
देखते हैं क्या होता है। तो अगर बैंगलोर का गांव आप लोग नहीं देखे हैं तो कुछ ऐसा रहता है, रोड वोड सब कुछ अच्छा है, दुकान है, सब कुछ है, बस हवा बह रहा है इसलिए व्लॉगिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आज कोई ज्यादा लोग बाहर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आज भी कर्फ्यू है, मगर मैं निकला हूँ साइकिलिंग करने के लिए क्योंकि मुझे सिर्फ यही 2 दिन मिलता है साइकिलिंग करने के लिए। वैसे कल तो मैं बिजी ही रहूंगा, कल मुझे कुछ काम है, आज ही 1 दिन मिला है मुझे साइकिलिंग करने के लिए। जब मैं घर से निकला था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जा रहा है, मगर मुझे अब पता है कि मुझे कहाँ जा रहा है। मैं जा रहा हूँ अपने पुराने स्कूल के पास जिसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये है रोड और यहाँ से सीधा जाना है, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ओनली 1-2 किलोमीटर होगा। फाइनली आ गया, ये है हमारा स्कूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय हर स्टेट में है तो अपने अपने स्टेट में भी चेक कर सकते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पे है। और मेरा भी आइडिया ये है कि जहाँ जहाँ हम अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो हर स्टेट क्रॉस करके जाएंगे ना, तो हर स्टेट में ये ऐसा स्कूल रहता है तो वहाँ वहाँ हम लोग स्टे कर सकते हैं। तो ये है मेरा आइडिया, देखते हैं कब एग्जीक्यूट होगा। मगर अभी हमारा स्कूल वहाँ पे स्कूल बिल्डिंग है, बाकी हॉस्टल सारे पीछे हैं।